आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके, और प्लीज दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी, असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूं यहां पर 99 नामों के नीचे, कि थोड़ा समझ के, वो उनकी पार्टी के गुलाम पीछे नहीं बैठे हुए, मेरी अपनी पार्टी है। तो दोबारा आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके, कि इन्होंने ये किया। एक सेकेंड, आप अपना बिल जो बड़ा सोना बिल है तुसी ले आना वापस। कल मैं बादाम लेकर आऊं और हर मेंबर को यहां पर मैं बादाम बांटूं ताकि सबकी याददाश्त साबित और सालिम रहे। बार बार कहा जाता हमें हुकूमत ऐसे मिली थी, अरे आप लोगों को ट्रे में रख के किसी ने थोड़ी दी थी, छीनी थी हुकूमत के गले में ढोल बांधा है तो इसे बजाएं और थोड़ा सा रक्स भी करें ताकि हम सब महजूज हों। ये वाला रवैया नाकाबले बर्दाश्त है और दोबारा ये बर्दाश्त नहीं होगा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब, काफ़ी देर से आपसे टाइम मांग रही थी लेकिन आपने अभी वो दिया। सबसे पहले तो प्लीज़ आप ये रूलिंग दे दें, कोई इस चेयर का ये मेम्बरान एहतराम कर लें कि कम से कम ये लोगों को आना चाहिए इस खाली उस पे, और उसके बाद फिर आप लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि कोई कोरम ना पॉइंट आउट करे, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। जैसे कि कहा किसी ने कि बादशाहत तो नहीं है, उनकी बी टीम भी नहीं है, कोई पॉकेट अपोजिशन भी नहीं है कि हम उनकी बात को माने। दूसरी दो तीन बातें प्लीज़ आप मुझे कहने दीजिएगा। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि कासिम सूरी ने गलत रूलिंग दी, चले वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप लोग आइन और रूल्स के अलमबरदार क्या कर रहे हैं? क्या जहाँ पर जो भी बिजनेस हो रहा है क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया क्या वो कहीं भी कहीं आइन और कानून के मुताबिक था? तो फिर आप कैसे वो इस चीज़ को वो कर सकते हैं? आज जैसे पार्लिमानी लीडर बनाया गया क्या वो रूल के मुताबिक था? आप उनके रिज़ाइन भी कबूल नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद वो बातें भी वही चल रही हैं। तो आज अभी मुझे ये बात करनी थी, काफ़ी सारी बातें डॉक्टर साहिबा कर चुकी हैं कि इतनी सी बर्दाश्त नहीं है। कल यहाँ पर कोई एक अपना तल्ला फाड़ कर कह रही थी कि खातून के लिए, कि खातून की इज्जत होती है, तो क्या खातून की वहां बैठी हुई खातून की इज्जत है? यहां पर नहीं है, हमने ऐसा क्या कह दिया था? आप मुझे इजाजत दीजिए कि कल मैं बादाम लेकर आऊं और हर मेंबर को यहां पर मैं बादाम बांटूं ताकि सबकी याददाश्त साबित और सालिम रहे। मतलब बात करते हैं यहां पर बजाय के अवाम के मसाइल पर बात करने के बजाय, कश्मीर की बात हुई कश्मीर की बात करें, उनका यह कहना जरूरी था कि एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं यहां पर किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हुई, बोर्ड लगा हुआ है वो उसके साथ कश्मीर के साथ ये कर दिया वो कर दिया। अरे शादियों पे तो आप लोगों ने बुलाया था, मैं एक आम आवाम बनकर के बात कर रही हूँ, बिजनेस के लिए तो आप बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या, हम लोगों का क्या याददाश्त चली गई है, क्या हो गया हम लोगों के कि जो इन लोगों की बातें याद नहीं है? और दूसरा प्लीज़, ये बातें बहुत हो चुकी हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कोई फॉल सीलिंग करवा दें, क्योंकि मैं जब से आई हूँ 3.5 साल से मुझे यही डर लगता है कि किसी दिन ये छत ना गिर जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले भी सीट कॉर्नर में थी और अभी भी इस कॉर्नर में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं बच जाऊँगी। कॉर्नर नहीं, बीच में से गिरेगी। और बाकी ये कि प्लीज़ आप कह दें कि जिस वक्त यहाँ पर बात होती है बहुत वक्त ज़ाया हो गया, सिर्फ आवाम की बात की जाए, पिछली चीज़ें किसको याद दिला रहे हैं? 3.5 साल हम वहाँ सुनते आए कि इन्होंने ये किया। एक सेकंड, आप अपना बिल जो बड़ा सोना बिल है तुसी ले आना वापस, तो वो यही सुनते हुए आए। तो अब स्पीकर साहब पता नहीं कहाँ लगे हमें। नो क्रॉस टॉक प्लीज आगा साहब, तो प्लीज आप अपनी ना वो क्या कहते हैं आवाम के मसाइल पर ही तवज्जो दें। और बार बार कहा जाता हमें हुकूमत ऐसे मिली थी, अरे आप लोगों को ट्रे में रख के किसी ने थोड़ी दी थी, छीनी थी हुकूमत के गले में ढोल बांधा है तो इसे बजाएं और थोड़ा सा रक्स भी करें ताकि हम सब महजूज हों। और प्लीज दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी, असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूं यहां पर 99 नामों के नीचे, कि थोड़ा समझ के, वो उनकी पार्टी के गुलाम पीछे नहीं बैठे हुए, मेरी अपनी पार्टी है। तो दोबारा आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके ये उनको प्लीज बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि मॉडल टाउन, मॉडल टाउन क्या, इतनी इसमें ऐसी कौन सी है जो जाके इनके दिल के ऊपर लग जाती है?
मैं यहां पर 3.5 साल से आई हूं, मैं किसी पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर रही, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रही, हम अपनी बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं भी एक आम आवाम ही हिस्सा थी, अगर अल्लाह पाक ने मुझे यहां पहुंचा दिए तो मेरे तो सामने जो इतने बड़े बड़े बुर्ज थे वो तो ऐसे उल्टे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो थोड़ा आराम से सिर्फ उनकी उस पर तवज्जो दे। बाकी रही डॉलर की, यहां पर बात होती है तो डॉलर तो जरा फिर स्पीकर साहब ये जो गैर मुल्की दौरे हैं थोड़ा इस पर ही आप स्टॉप लगा दें कि जो ये मेम्बरान जा रहे हैं भले वो बाकू जाएं या टर्की जाएं या किधर भी जाएं, उनको क्या डॉलर का लिफाफा देना जरूरी है? क्या ऐसे कौन से हैं? दो ये जो भी डेलीगेशन हैं वो मैंने भी अटेंड किए और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाके अफसोस ही हुआ है कि यहाँ पर करने क्या आए थे। क्या ये क्या ब्राइब है कि मेंबर्स को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए जाओ 5 दिन जाके थोड़ा सा रिलैक्स करके आ जाओ? तो जरा डॉलर्स की अगर आप परवान की बात कर रहे हैं तो प्लीज इस ये जितने भी दौरे हैं जो अभी भी लिस्टें बनी हुई है कि तुम कहाँ जाओगे तुम कहाँ जाओगे, उस पर स्टॉप लगना चाहिए अगर आप सीरियस हैं यहाँ पर ये बात करने के लिए। और मेरे बार बार दोबारा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्लियामानी वजीर बैठे हुए, आप अपनी क्यादत से बात करें। ये वाला रवैया ना काबले बर्दाश्त है और दोबारा ये बर्दाश्त नहीं होगा।